गाम गो अंड भूखा सोया ना चूल्हा जलया था पाली का और लिपट तिरंगा का भीतर जद आया बेटा आली का र कुकर भूल जू मानस खाने गाडन जोगे त्योहार न मरा अच्छी तरिया याद से यो बुंडा मुँह दिवाली का मरा अच्छी तरिया याद से यो काला दिन दिवाली का। दोस्तों मैं संजीत आज आपके समक्ष हाजिर हूँ एक कविता लेकर। दोस्तों मेरे गाँव की सच्ची घटना है, अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कर देना। कपासली दिवाली की बात थी और खुशियां भरिया रात थी। गम थी कि आली का बेटा इवका दिवाली पावगा और बड़का खातर खाने की चीज पटाखे लियावगा। यो वो आली जिसका एक के बेटा था और तान बंदूक बॉर्डर का ऊपर जाके लेटा था। मर्रा बटा हर दिवाली पांदा दो बैग भर के रह और सर के ऊपर पटाखिया की पेटी धर के रह। पर किसने बेरा था इवका उन बैगा में पैक हो जाएगा और देख तिरंगा में सारा गांव रो जाएगा। बेटा आन की खुशी में बाबू खीर रांद था। बेटा आन की खुशी में बाबू खीर रांद था और वो खप्पर भरना कमीन फौजिया का कंध था। पहला एकला आया करदा इब का कई गाड़ी थी और बुढ़ा बालक रो पड़ा जद लाश भीतर तक काढ़ी थी। इब कुकर भूल जा सारा गांव इस दिवाली ने र कुकर भूल जा सारा गांव इस दिवाली ने जद गबरू छोरा भेंट दिया था रमलू आली ने र गोडे घिसा और पीछे देके लगवाया यो मोल चुका गया और बनन छड़िया का बम्ब इस दिवाली पर आ गया। गैल ने दो बालक और बहू रह गई थी और दो फौजी मरे पाछे हर दुख सह गई थी। का गैल ने बालक और बहू रह गई थी फौजी मरे पाछे जो दुख सह गई थी। इब रमलू का हर सपना अधूरा हो गया था और उन बातन आज एक साल पूरा हो गया था। इब आन का अड़ और रमलू की एंडी आ रही थी और एक दिन पाछे अगली दिवाली भी सर पा रही थी। रमलू चौखी चिंता कर रहा था और कैट के कलजा हाथ पर धर रहा था। इब दो रुपया की टिक्की खातर घर ने सर पर ना टांग ले और मेरे बेटे दिवाली पर पटाखे ना मांग ले। गोज में दमन्नी नहीं कितना लियावगा और सारा गांव का कर्जा हो रहा किस पर पीछे ठावगा। इब मोस की आत्मा मार की मन्नर रमलू रात ना आ गया और आंधी गोज टटोली बड़का ना दादा पा गया। बेटा दिवाली कल है पटाखे कल लेके आऊंगा और दिन में थारे खातर दिहाड़ी पर जाऊंगा। आज एक और आज और खेल लो क्या आज और खेल लो इस रात न कुकरे पेल लो। इब रमलू जाकी खटोली में पड़ तो गया आंख मीच की सोन खातर अड़ तो गया पर नींद उसका लो दौर भी नहीं थी। और तड़के पटाखे लियाऊंगा बड़का ने यह बात कही थी पर कि तोड़ तो लियाऊं इस बुढ़ा गात गल्ला किसका दिहाड़ी पर जाऊं। नू सोचते सोचते तड़के के चार बज गए थे और मोर मुर्गिया की आवाज गांव के रुख सज गए थे। रमलू का ध्यान आई रमेश की कुई थी कर रमलू का ध्यान आई रमेश की कुई थी। पछले चमासा जड़ भीतरे मोटर बुई थी उसके 500 रुपया खातर किसी ने हाथ नहीं लाया। उस मोटर का 500 रुपया खातर किसी ने हाथ नहीं लाया और उसने गांव में कोई काटनिया नहीं पाया। चल आज उसने काट के लियाऊं पिसा दिल्ली हाथ आ जाएगी जिससे बड़का ने पटाके मिठाई पा जाएगी। नू सोच के तड़के निर्णावासी खेत का निमू कर गया और देख के रमेश रमरू ने 500 रुपये धर गया। इब रस्सी लेके कुओं में उतरन लग गया और ढंग से पांव टिक जाएंगे मट्टी को उतरन लग गया। उतर के रमलू नीचे तो आ गया था पर उसके कलजे में तकड़ा डर छा गया था। इतना मैं एकदम ऊपर तो सीधी खड़ी और मट्टी की ढा आन पड़ी। देख दे आधा कुआ माटी तक भर गया और रमलू अपनी जिंदगी 500 रुपया का नाम कर गया। रबड़ी मुश्किल तक गांव वाले रमलू ने काट के लाए थे और लेकी लाश जद घर न आए थे फिर रमलू धरती पर लटाया और बाज के छोटना छोरा आया। दादा दादा कह की मुंह ने थूक बलोन लग गया कह दादा दादा कह की मुंह में थूक बलोन लग गया और हटा की धोली चादर रगोश टटोलन लग गया। आज भी क्यों नहीं लाया इस बात पर रोवा था और मरोड़ रमलू मत है कह मरो ए दादे की गोज मत है पटाखे टोवा था। गाम गो अंड भूखा सोया ना चूल्हा जलया था पाली का और लिपट माटी का भीतर जद आया गात हाली का। संजीत कुकर भूल जो मानस खाने गाडन जोगे त्योहार ने मरा अच्छी तरिया याद सयो बुंडा मुँह दिवाली का मरा अच्छी तरिया याद सयो काला मुँह दिवाली का।